गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट लेसन इज हेयर द फन दे हैड अबाउट द ऑथर. हेयर इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर. एन अमेरिकन ऑथर, एक अमेरिकी लेखक एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट, और बायोकेमिस्ट के वो प्रोफेसर थे एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, यानी कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में. आइजैक असिमोव वाज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑफ साइंस एंड हिज पॉपुलर साइंस बुक्स. आइजैक असिमोव को अच्छी प्रकार से, यानी ठीक प्रकार से लोग जानते थे उनके विज्ञान के, साइंस के कार्य के लिए. एंड हिज पॉपुलर साइंस बुक, और उनकी प्रसिद्ध साइंस की किताबों के लिए जाने जाते थे. असिमोव वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर. असिमोव उन विख्यात राइटरों में से एक थे ऑफ ऑल टाइम हु हैड रिटन और एडिट मोर देन 500 बुक्स, जिन्होंने लगभग 500 किताबों को क्या किया, एडिट किया, लिखा और एडिट किया, यानी कि छापने में भी उनको एडिट करने का मतलब छपाई करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ पहले रखनी, क्या चीज़ बाद में रखनी, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग. तो हु हैड रिटन और एडिट मोर देन 500 बुक्स, उन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा किताबों को लिखा और उन्हें एडिट किया. एंड एन एस्टिमेटेड 9,000 लेटर्स, और लगभग 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, 90,000 लेटर्स और पोस्ट कार्ड भी उन्होंने लिखे. असिमोव इज वाइडली कंसिडर्ड एज अ मास्टर ऑफ एड्रेस ऑफ साइंस फिक्शन. साइंस फिक्शन के लिए उनको मास्टर की उपाधि से के रूप में भी उनको जाना जाता था. ही रोट हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने लगभग 100 यानी कि 100 शॉर्ट स्टोरीज लिखी, शॉर्ट राइटिंग लिखी. शॉर्ट स्टोरीज आपके इसमें भी हैं, इंक्लूडिंग द सोशल फिक्शन, यानी कि नाइटफॉल, जिसमें कि जुड़ा हुआ था सोशल फिक्शन नाइटफॉल, यानी कि रात हो गई, ऐसा ऐसी वो जुड़ी हुई थी. विच इन 1964, जो कि 1964 में वाज वोटेड बाय द साइंस फिक्शन राइटर, यानी कि साइंस फिक्शन के जो राइटर थे ऑफ अमेरिका, एज द बेस्ट शूट बेस्ट शॉर्ट ऑफ साइंस स्टोरी ऑफ ऑल टाइम, यानी कि हर समय उनको विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी प्रकार से लोग जानते थे. तो लेट्स रीड हियर, दिस इज द लेसन. द स्टोरी वी शैल रीड इज अ सेट इन फ्यूचर, ये कहानी जो कि हम पढ़ेंगे ये भविष्य के लिए बनाई गई है. वेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ नो देम, जिनको वो किताबें और विद्यालय जिनको कि हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद भविष्य में नहीं होंगी. हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, इन डायग्राम से ये इसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से आइडियाज कहाँ कहाँ से हैं. लर्न थ्रू द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से सीख सकते हैं. वर्चुअल क्लासरूम्स, यानी कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उस प्रकार से क्लासेस आप ले सकते हैं, उससे समझ सकते हैं. स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के स्कूल हैं. रोबोटिक टीचर, यानी कि रोबोटिक टीचर, यानी एक मशीन आपको पढ़ाएगी, उस टाइप का हो सकता है. मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि चलते फिरते चलचित्र से आप बुक्स से आप पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, फिलहाल विद्यालय नहीं होंगे, ऐसा भविष्य में बताते हुए उसको ये लेसन को प्रेस्क्राइब किया गया. देन हेयर इज इन पेयर डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. इन सब चीज़ों में हम ये जानते हैं कि आप अपने स्कूल को कितना अच्छा पसंद करते हैं. एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल, अपने तीन चीज़ों के बारे में, स्कूल के बारे में सोचें. दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो आप बदलना चाहते हैं. राइट देम डाउन, यानी कि इनको इनके नीचे लिख सकते हैं. एंड हेयर हैव यू एवर रीड, क्या आपने कभी पढ़ा है द वर्ड ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर शब्दों को,
और कंप्यूटर स्क्रीन या किसी कंप्यूटर स्क्रीन पे, कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं अ टाइम, उस समय की, व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, जब सारी किताबें कंप्यूटर पर ही उपलब्ध होगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर कोई भी बुक प्रिंट नहीं होगी. वुड यू लाइक सच अ बुक्स बेटर, क्या वो किताबें आपको बहुत अच्छी लगेंगी. इसके ऊपर ये लेसन है. तो ये इस लेसन में जो है मेन कैरेक्टर यहाँ पर मार्जी का है, तो मार्जी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन. और यहाँ से देखते हैं लेसन फर्स्ट, आप यहाँ से स्टार्ट है, लेट्स स्टार्ट. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्जी ने इस डायरी में, मार्जी ने अपनी इस डायरी में यानी कि इस कहानी के बारे में उस रात को लिखा. ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157, जस्ट लाइक अ डेट, वॉच द डेट केयरफुली, 2157 इट मीन्स 22वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पर. वो डेट उसने डाली, शी रोट ऑन द पेज हेडेड, उसने डायरी के ऊपर जो हेडिंग डाली जाती है उस पर हेडिंग जो है ये डेट डाली, शी रोट, और उसने लिखा, और क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं वैसी किताब टॉमी को उस समय उपलब्ध हुई. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी. मार्जीज फादर, मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट, एक बार मार्जी के दादाजी ने कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उनको बताया, दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. ये वो समय था, दादाजी ने अब को बताया गया उनके दादाजी के द्वारा कि ये वो समय था जब स्टोरीज कहानियों को पेपर पर छापा जाता था. दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी, उन्होंने वो पन्ने पलटे जो कि पीले और कैसे हो गए थे, मुड़े हुए थे, या बहुत ही ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, क्रिंकी जैसे बेकार से हो जाते हैं पेजेस, उनके बारे में बताया उन्होंने, सिलवटे पड़ी हुई ऐसे पेजेस जो है क्रिंकी उसको बोलते हैं. एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बहुत मज़ेदार था, टू रीड द वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, यानी कि चलते हुए वो चित्र, चलते हुए वो शब्द नहीं थे जैसे कि उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, वो बिल्कुल स्टिल यानी कि शांत अवस्था में थे. मूविंग द वे दे वर सपोज टू, यानी कि जैसा कि उन लोगों की अपनी बुक में जो कंप्यूटर पर उनकी बुक होती है उसमें देखते थे वो लोग. ऑन द स्क्रीन, यानी कि इस स्क्रीन पर, ऑन द स्क्रीन यू नो, जैसा कि आप जानते हैं स्क्रीन पर. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब उसके उसका पन्ना पलट के इसके पहले वाले पेज पे जाते हैं, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, उस पर भी वैसे ही शब्द लिखे होते हैं, दैट इट हैड रिट व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी कि जिसको उन्होंने पहली बार पढ़ा वैसे शब्द उनको देखने को मिलते हैं. ग्ली सेड टॉमी, टॉमी ने बड़े ही जाके आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, ग्ली मीन्स आश्चर्य प्रकट करते हुए, व्हाट अ वेस्ट, कितनी कूड़ा करकट चीज है, व्हेन यू रीड यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम ये, मैं कल्पना करता हूँ ऐसा उसने कहा, यू जस्ट थ्रो इट आई गेस, मैं कल्पना करता हूँ कि तुम इसे फेंक दोगी जब तुम इसे पूरा पढ़ लोगी. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर निश्चित रूप से 10 लाख के आसपास किताबें यहाँ पर होंगी. और इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये अच्छा है कि उसमें और ज़्यादा किताबें बुक्स आ सकती हैं. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे फेंकूँगा नहीं, ऐसा उसने कहा. सेम विथ माइंड, वैसा ही मैं भी करूँगी, सेड मार्जी, मार्जी ने ऐसा कहा. शी वॉज 11, वो 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी, और उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी, टेली बुक्स
टेली बुक्स का मतलब जो कंप्यूटर पर चलती हुई किताबें होती हैं वो, एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखी थी, क्योंकि वो 13 वर्ष का था, वो 13 वर्ष का था नहीं, वो उससे 2 वर्ष बड़ा था, उससे इसलिए उसने ज़्यादा बुक्स देखी थी। शी सैड, उसने कहा, यानी कि मार्जी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी कि तुमने इस किताब को कहाँ पाया। इन माई हाउस, यानी कि उसने कहा मैंने अपने घर में पाया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने उसको बिना देखे ही उसे कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो उस किताब को पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, उसने कहा कि ये किताब मुझे अपने मकान की एटिक से मिली, 260 से मिली। वाट इज इट अबाउट, ये किस बारे में है, ऐसा मार्जी ने पूछा। तो टॉमी ने बताया कि स्कूल, यानी कि स्कूल के बारे में। आज हम आपको इसमें 2 पैराग्राफ हमने आपको इसमें पढ़ा दिए हैं। आगे भी आपको जल्दी जल्दी इसमें वीडियोस हम आपको सेंड करेंगे और ये सब लेसन्स क्लियर करा देंगे। चलिए, एक छोटा सा पैराग्राफ ये है, इसको भी और देख लेते हैं। मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल, मार्जी को गुस्सा आ गया। स्कूल, अरे स्कूल के बारे में। वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा स्कूल से नफरत रही। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसको, क्योंकि इसमें स्कूल के बारे में किताब में स्कूल के बारे में बताया गया है, तो उसको और ज़्यादा नफरत हुई। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर का मतलब वही कंप्यूटर उसका जिससे वो पढ़ती है, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट ज्योग्राफी में देता है, यानी कि वो कंप्यूटर। एंड शी हैड बीन डूइंग वोर्स एंड वोर्स, और वो उसको और ज़्यादा ख़राब करने लगती है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जबकि उसकी माता अपना सिर धुल लेती है, यानी कि उसको बहुत ही ख़राब लगता है। और स्कॉर्नफुली सोरोफुल, यानी कि उसकी माता बहुत ही ज़्यादा उनको नाराज़ होती हैं कि उसने कितना गलत काम किया है, मतलब अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर वो ऐसे व्यक्ति को बुलाती है जो कंप्यूटर को ठीक कर सकता है, उसे काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं, यानी कि जिला। इसमें आपको इसमें बुक में जो भी दिया गया होगा, जिला का निरीक्षक उसको बुलाया और कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए। तो आपको यार थर्ड पैरा तक हमने आपको उसमें बता दिया है, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सो वॉच द वीडियोस एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल है उसको भी दबाएं, तो उससे आपको सब कुछ जल्दी से जल्दी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।